गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे? क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे? क्या सबको आवाज आ रही है? सब मुझे सुन पा रहे? नहीं आ रहा आवाज? नो वॉइस। ओके, हाँ सुन पा रहे ना यार, डरा मत देना ऐसा। नो वॉइस किसने बोला रे नालायक? ये सबको आवाज आ रही ना? गुड गुड गुड। अरे आवाज, गुड गुड गुड। चलो बच्चों शुरू करते हैं। यस, ओके बेटा मुझे बताइए, अभी देखो सीएमए का अपना पार्ट ए चल रहा है। यस, और पार्ट ए में हम लोग पूरा सब बेसिक डिस्कस करें, जो अपने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। ये बेटा अपने सिलेबस का पार्ट है, अपने सीएमए के पार्ट ए का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका हमारा डिस्कशन चल रहा है अपना, राइट। इसमें देखिए बच्चों, एक बार कल का बार रिवाइज करते हैं। कल मैंने बताया था अकाउंट में जो चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट में दो बातें होते हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इन द अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अगर आपको ट्रांजैक्शन इवेंट को अगर रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट्स के टाइप बताने चाहिए, और कल मैंने बताया था अकाउंट्स के टाइप अगर आपको समझना है, अकाउंट्स के टाइप बताने के दो तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट्स के टाइप बताने के दो तरीके होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच। बता बच्चा लोग, ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत अकाउंट के टाइप कितने होते हैं? तीन, इफ रिमेंबर। ओके बच्चों, ट्रेडिशनल बेटा अप्रोच के तहत बेटा अकाउंट्स के तीन टाइप होते हैं। यस, एक मिनट एक बार देख लीजिए आपको क्लियर दिख रहा है क्या स्लाइड पे? ओके, तो स्लाइड कट रहा है थोड़ा सा, पता नहीं बार बार सेटिंग क्यों चेंज हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। चले, आई होप अभी ऑलमोस्ट दिख रहा है। ओके, तो चलो बच्चों, कल मैंने बताया था एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच तीन टाइप अकाउंट होते हैं। बोलो कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉर्मल अकाउंट। यस और नो? फिर कल मैं डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट के अगेन तीन स्टेप होते हैं। कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी इंसान का जो अकाउंट है, राम का, सीता का, गीता का, ये सब कौन है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद बेटा जी जो मतलब लीगल एंटिटी हो, जैसे बता क्या, गवर्नमेंट, कंपनी, क्लब, पार्टनरशिप फर्म, इन सबके जो अकाउंट है वो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और किसी ग्रुप के बिहाफ पे जो करते वो बेटा हमारा कौन है? रिप्रेजेंटेटिव personal accounting. Basically all outstanding or prepaid or advance, all outstanding, prepaid or advance are called as representative personal account. आई होप ये सारा बच्चों बेसिक आपको क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर सारा बेसिक बच्चा लोग अपने को. अब बच्चों देखिए नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल में क्या होता है? ऑल एसेट, दे कैन बी आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल. ये बच्चों हमारा कौन है? रियल अकाउंट है. ओके, और इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट हमारे कौन है? नॉमिनल अकाउंट है. यस, ये सब डिस्कस किया था. अब भाई साहब हमने अकाउंट पढ़ा क्यों था? बच्चों मैंने कल आपको बताया था अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो साइड होते हैं. प्लीज समझना, अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो बेटा साइड होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम. और उसी का बच्चों एक नाम होता है ड्यूअल कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट. एज पर ड्यूअल कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू पार्ट. वन इज कॉल्ड एज debit and second is called as credit. Every transaction has two part. One is called as debit or one is called as credit. Okay. DR stands for debit and CR stands for credit. DR stands for debit and CR stands for credit. Debit or credit. अब सवाल उठता है ट्रांजैक्शन के दो पार्ट है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है. सवाल उठता है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, ऐसे कब बोलेंगे. अब प्लीज समझना जो कॉमर्स वाले बच्चे उन्हें ये सब चीज थोड़ा बहुत तो पता होगा, बट जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे प्लीज अच्छे से समझना. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने बच्चे नॉन कॉमर्स वाले, ये जो भी लेक्चर बेटा चल रहा है इसको आप बार बार देखेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तब जाके कॉन्फिडेंस आपका आएगा बेटा. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, अब देखो प्लीज समझना, अगर आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच में, उसके लिए बेटा जी ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रूल दिए. दे आर कॉल्ड एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. क्या बोलते हैं? चलो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. याद करो वो बचपन के दिन जब हम 11वीं में करते थे और 11वीं में टीचर आपको बोलते थे गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग. याद है क्या? चलो जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा बेटा जी, अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स है. देखो कौन सा अकाउंट डेबिट करे या क्रेडिट करे ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट का नेचर क्या है. मान लीजिए अगर आपका अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्या बच्चों? पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल जो अकाउंट है, रियल जो अकाउंट है, ओके, रियल जो अकाउंट है बच्चा लोग, ओके, रियल जो अकाउंट है उसका बच्चों रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए राम और श्याम ये 2 पर्सन है. राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए, राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए, राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए, राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए. ओके, मुझे फोकस करना. राम ने श्याम को 1000 रुपए दिए. बेटा जी मुझे बताइए, यहां पे 2 अकाउंट है, राम और श्याम, दोनों कौन है? पर्सनल अकाउंट है. यस, रूल क्या उसका? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. जिसे मिला रिसीवर, जिसको मिला उसका अकाउंट डेबिट करो. क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसका क्रेडिट करो. जिसको मिला उसका अकाउंट डेबिट, जिसने दिया जहां से गया उसका क्रेडिट. अब बताओ इस एग्जांपल में किसने किसको पैसा दिया? राम ने श्याम को पैसा दिया. पैसा किसने दिया बच्चों? राम ने श्याम को पैसा दिया. अब बच्चों पैसा किसने दिया? राम ने दिया. राम ने पैसा दिया तो राम कौन है? रिसीवर है या गिवर है? राम कौन है? रिसीवर है या गिवर है? राम कौन है? रिसीवर है, गिवर है. राम इज द गिवर. पैसा किसको मिला है? श्याम को. तो श्याम कौन है? रिसीवर. हमने पहचाना कौन पैसा दे रहा है? राम. तो राम कौन है? गिवर है. श्याम कौन है? उसको पैसा मिल रहा है तो श्याम कौन है? रिसीवर है. तो राम बोलता है भाई साहब मैं पैसा दे रहा हूं, मैं गिवर हूं, तो मेरा अकाउंट क्या करो? क्रेडिट करो. मेरा अकाउंट क्या करो? क्रेडिट करो. और श्याम जिसको पैसा मिल रहा है, शाम जिसको पैसा मिल रहा है, जिस जो कौन है बेटा जी रिसीवर है, जो कौन है बच्चा लोग रिसीवर है, उसका अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या सभी बच्चों को पहला रूल समझ में आ रहा है क्या? रिसीवर क्या होता है, गिवर क्या होता है, किसको डेबिट करना चाहिए, किसको करना चाहिए, समझ में आ रहा है बेटा जी? अब देखो बच्चों, जब आप इंस्पायर एकेडमी में फीस पे करते हो, स्टूडेंट और इंस्पायर एकेडमी दो एंटिटी है, स्टूडेंट ने इंस्पायर एकेडमी में फीस पे किया, राइट? स्टूडेंट भी पर्सनल अकाउंट है, इंस्पायर एकेडमी भी पर्सनल अकाउंट है, बस स्टूडेंट कौन है? नेचुरल पर्सन है, इंस्पायर एकेडमी कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। स्टूडेंट ने इंस्पायर में फीस पे किया, किसने पे किया? स्टूडेंट। वो कौन है? गिवर है। उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। इंस्पायर को फीस मिला है तो वो कौन है? रिसीवर है, उनका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। जी बेटा, जिसको पैसा मिला है वो कौन है बेटा? रिसीवर है। आपने दुकान में जाके 5 रुपए का चॉकलेट लाया, आपने चॉकलेट लाया, आपने पैसा दिया, किसको दिया? दुकानदार को दिया। आप दुकानदार, दो एंटिटी, आपने पैसा दिया तो आप कौन हो? गिवर। आपका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। दुकानदार को पैसा मिला है, दुकानदार को पैसा मिला है तो वो कौन है? रिसीवर है, उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। समझ में आ रहा है? तो दो पार्टी से, एक पैसा देता है, एक पैसा लेता है। जिसको पैसा मिलता है रिसीवर, उसका अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। और जो पैसा देता है उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। एकदम आराम से चिल मार के। तो क्या सभी नालायक लोगों को फर्स्ट रूल पूरा समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? एकदम आराम से चिल मार के। यस। सेकंड रूल, रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो, जो आया उसे डेबिट करो और जो गया उसे क्रेडिट करो। किसका रूल है? रियल अकाउंट का। जो आया उसे डेबिट करो, गया उसे क्या करो? क्रेडिट करो। चलो एक काम करते हैं, इसलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बेटा जी, हम बात करते बहुत सालों पहले की, हजारों साल पूर्व पिछाते, हजारों साल पहले। आपको पता होगा हजारों साल पहले पैसा तो था नहीं, तब हुआ कर रहा था बार्टर सिस्टम। पता है क्या बच्चों? बार्टर सिस्टम। एक किसान अनाज उगाता था, किसान अपना अनाज देता था और दूसरा बंदा उसको बर्तन देता था। किसान अनाज देता था और दूसरा बंदा उसको कपड़े देता था। तो वहां पे अनाज के बदले कपड़े, कपड़ों के बदले बर्तन। ओके बेटा जी, ऐसा ट्रांजेक्शन होता था, पैसे इन्वॉल्व नहीं थे। हम बात करते बार्टर सिस्टम के। मान लीजिए बेटा जी अभी भी बार्टर सिस्टम है। ओके, तो बेटा अज्यूम करो मेरे क्लास में एक बच्चा आता है, बोला सर जी मुझे आपके पेंडल लेके, मुझे क्या चाहिए? आपको पेंडल लेके। बोला ठीक है बेटा। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोले ऐसे कैसे चलेगा यार? बोला सर लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सर ना मेरे पास ना शेयर है, हमारे पास शेयर है, हमारे शेयर का दुकान है सर। मुझे बताया सर आपके ऑफिस शेयर पुराना चुके हैं सर, एक काम करो आप सब मेरे पास से शेयर लीजिए और आप मुझे पेंडा दीजिए। सौदा क्या क्या? देखो बच्चों, थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने क्या दिया उसको? पेन ड्राइव दिया और उसके बदले मुझे क्या मिला? शेयर। मैं अभी बात कर रहा हूं मेरे एंगल से, मुझे क्या मिला? शेयर। और मैंने बच्चों को क्या दिया? पेन ड्राइव। यस। अब दो एंटिटी है तो क्या ना इसका मैं क्या बोलूंगा? शेयर वॉज परचेज इन द एक्सचेंज ऑफ पीडी, पीडी के एक्सचेंज में शेयर मिला आपको। यस और नो बेटा जी? एक्सचेंज ऑफर था, दिया क्या? पीडी, मिला क्या? शेयर। अब बताओ शेयर और पेन ड्राइव ये दोनों कौन सा अकाउंट है? आर दे पर्सन? शेयर पर्सन है, पेन ड्राइव पर्सन है ना, ये एसेट है। तो दोनों कौन है? रियल अकाउंट है। शेयर और पीडी रियल अकाउंट है। यस। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोले मेरे पास क्या आ रहा है? शेयर आ रहा है या पेनड्राइव आ रहा है? मेरे पास क्या आ रहा है? शेयर आ रहा है या पेनड्राइव आ रहा है? मेरे पास क्या आ रहा है? शेयर आ रहा है या पेनड्राइव आ रहा है? अरे भाई साहब मेरे पास शेयर आ रहा है। ओके, शेयर आ रहा है तो ये मेरे पास आ रहा है, ये कम्स इन। और मैं पीडी दे रहा हूं तो पीडी क्या है? गोज आउट। कौन आ रहा है बच्चा लोग? शेयर आ रहा है। कौन आ रहा है बच्चा लोग? शेयर आए। तो जो आ रहा है उसका कर क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन। और क्या जा रहा है, चेयर, क्या जा रहा है बच्चों, चेयर। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो आया उसका कर क्या करेंगे, डेबिट, और जो गया उसका क्या करेंगे, क्रेडिट। डेबिट वर्ड गोज, सॉरी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्या आया बच्चों, चेयर, उसका क्या होगा, डेबिट। क्या गया बच्चों, पेन ड्राइव, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। आपको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यहां पे देख के नालायक, यहां पे देख के नालायक, यहां पे कोई पर्सन नहीं, यहां पे दो एसेट रियल अकाउंट है। जो आया वो डेबिट किया, वो गया वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं और एग्जांपल लेता हूं। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसे बोलता हूं, purchase, purchase machine for rupees 1000 cash, purchase machine for 1000 cash, purchase machine for 1000 cash। 1000 रुपए कैश में मशीन परचेस किया, 1000 रुपए कैश में मशीन परचेस किया, 1000 रुपए की कैश में मशीन परचेस किया। आराम सोचो, मैंने 1000 रुपए कैश देके, मैंने 1000 रुपए कैश देके मशीन परचेस किया, मैंने 1000 रुपए कैश देके मैंने मशीन परचेस किया। अब कौन बताएगा इस ट्रांजैक्शन में दो एंटिटी कौन से? मैंने क्या परचेस किया, मशीन, उसके लिए क्या दिया, कैश। मैंने क्या परचेस किया, मशीन, उसके लिए क्या दिया, कैश। बच्चों यहां पे दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है मशीन और सेकंड बच्चों क्या आ रहा है, कैश। एक बच्चों को ने मशीन है और सेकंड को ने कैश है, एक बच्चों को ने मशीन है और सेकंड को ने कैश है, एक बच्चों को ने मशीन है सेकंड को ने कैश है। आराम से अरे घाई नहीं करना बेटा, घाई नहीं करना बेटा, एकदम आराम से बेटा, मेरा अकाउंट बहुत वीक है बेटा, एकदम आराम से करेंगे, मेरा अकाउंट बहुत वीक है, एकदम आराम से करेंगे बेटा। मुझे इसमें से पहले मुझे होता मशीन और कैश, इनमें से मशीन कैसा अकाउंट है और कैश कैसा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। मशीन को ने, सर जी मशीन एसेट है, मशीन भी कौन है, रियल अकाउंट है। कैश कौन है, सर कैश भी रियल अकाउंट है। क्या कैश कोई पर्सन है? नहीं। तो कैश कौन है, चीज है, चीजें मतलब क्या है, एसेट है, तो कैश भी कौन है, रियल अकाउंट है। बच्चों मशीन भी कौन है, रियल अकाउंट है, और कैश भी कौन है, रियल अकाउंट है, बोथ आर रियल अकाउंट। अब बोल रियल कर लू क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट What goes out, जो आया वो क्या करेंगे, डेबिट, और जो गया वो क्या करेंगे, क्रेडिट। अरे मैंने मशीन परचेस किया तो मुझे क्या मिला, मशीन। क्या गया, पैसा। क्या मिला, मशीन। क्या गया, पैसा। अरे मशीन मिला क्या, हाँ सर जी। मशीन आया क्या, हाँ सर जी मशीन आया। मशीन आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन आया, मशीन, उसको क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट What goes out, कौन जा रहा है, पैसा। कौन जा रहा है, पैसा, उसका कौन क्या करेंगे, क्रेडिट। अरे समझ में आ रहा है क्या, कौन आया रे नालायक, मशीन, उसका क्या करेंगे, डेबिट। कौन गया रे नालायक, पैसा, उसका क्या करेंगे, क्रेडिट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मशीन आया उसका कौन, डेबिट, और पैसा गया उसका क्या करोगे, क्रेडिट। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये रूल हो गया रियल अकाउंट का। तो सबको बेटा जी पर्सनल अकाउंट क्लियर है, रियल अकाउंट क्लियर है, यस। अब मैं बात करूंगा नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल का रूल बहुत सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सारे खर्चे, सारे लॉसेस डेबिट करो और सारे इनकम और प्रॉफिट क्या करो, क्रेडिट करो। ऐसा कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट को बोलता है। मतलब क्या सर जी, देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 1000 in cash, paid salary of rupees 1000 in cash। मैंने 1000 रुपए का सैलरी पे किया, मैंने 1000 रुपए का सैलरी पे किया, इस महीने मैंने 1000 रुपए का सैलरी पे किया। बोलो भाई दो एंटिटी कौन है? जैसे बोलता 1000 का सैलरी पे किया, पैसा पे किया, तो भाई दो एंटिटी कौन है? सैलरी और कैश। कौन है बच्चा लोग? सैलरी और कैश, सैलरी और कैश, ये दो एंटिटी। मैंने 1000 का सैलरी पे किया तो आप सैलरी और कैश दो एंटिटी। आप आराम से सोच के बताइए सैलरी और कैश में से कौन कौन सा अकाउंट है? कैश कौन है? रियल अकाउंट। अभी पढ़ाता कैश कौन है? रियल अकाउंट है। सैलरी क्या है? सैलरी पर्सन है ना, सैलरी कौन है? एसेट है ना, तो सैलरी कौन है? एक्सपेंस है। याद करो एक्सपेंस, इनकम के अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल। तो सैलरी कौन है आपका? एक्सपेंस है। तो ये कौन है आपका? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी कौन है बच्चों? आपका एक्सपेंस है। तो ये कौन है आपका? नॉमिनल अकाउंट है। कौन है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट है। तो कैश कौन है आपका? रियल अकाउंट है। और सैलरी कौन है? नॉमिनल। रूल फॉलो करते हैं। पहले बताइए पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है, रूल यूज कीजिए, पैसा जा रहा है। कैश के लिए रूल क्या है? रियल का। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आ रहा है वो क्या करो? डेबिट। और जो जा रहा है वो क्या करोगे? क्रेडिट। अरे भाई साहब पैसा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो जो जा रहा है वो क्या करेंगे? क्रेडिट। यहां पे मैंने अपनाया रियल अकाउंट का रूल। सैलरी के लिए मैं अपनाऊंगा, सैलरी के लिए मैं अपनाऊंगा नॉमिनल अकाउंट का रूल। सैलरी के लिए मैं अपनाऊंगा नॉमिनल। अब बताओ नॉमिनल का रूल क्या है? सभी खर्चे और लॉस डेबिट करो और इनकम और गेन क्रेडिट करो। सैलरी मेरा कौन है? इनकम या खर्चा? सैलरी मुझे मिलेगा तो मेरे लिए इनकम है, और मैं सैलरी किसी को दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है। सैलरी मुझे मिलेगा तो मेरे लिए इनकम है, और मैं सैलरी किसी और को दूंगा तो मेरे लिए क्या है? खर्चा है। अब बताइए सैलरी मुझे मिल रहा है या मैं दे रहा हूं? सैलरी आप दे रहे हो। अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो ये मेरा कौन है? खर्चा है। अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो मेरा कौन है? खर्चा है। तो ये मेरा कौन है? एक्सपेंस है। सैलरी मेरा कोई एक्सपेंस है। तो रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस। सैलरी में दे रहा हूं, ये मेरा खर्चा है, तो ये मेरा कौन है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सबको झेपा का नालायक, यस और नो। ये सारी बातें बेटा जी 11th आपने पढ़े होगी, यस, पर मुझे नहीं पता है आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक परफेक्ट करना मेरा काम बेटा जी। मैं जब भी कोई सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा मैं ये बिल्कुल अज्यूम नहीं करूंगा आपको सब कुछ आपको आता है। मैं हमेशा ऐसा अज्यूम करूंगा आपको कुछ भी नहीं आता, आप एकदम नालायक हो, आपको कुछ भी नहीं आता। पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेसिक जाने में जो मजा है ना बेटा, देखो यार, अगर बेटा ना आपको बेटा अगर आपको पता है क्या, अगर आपको हिमालय पे जाना है, हिमालय की चोटी पे जाना है, हेलीकॉप्टर से जाओ हिमालय पे या प्लेन से जाओ, मजा नहीं यार। पर नीचे से चढ़ते चढ़ते जाने में जो मजा ना बेटा, एक एक स्टेप हम चढ़ रहे, एक टारगेट अपना अचीव हो रहा है, वो जो मजा है वो खुशी में अलग होती है बेटा जी। वैसे पढ़ाई का है, डायरेक्ट टॉप में शुरू करेंगे, मजा नहीं यार। बॉटम से पहले थोड़ा बेस परफेक्ट किया, फिर और बेस परफेक्ट किया, फिर और कंसेप्ट पढ़े, फिर और कंसेप्ट पढ़े, ऐसा करके पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई का मजा आता है बेटा जी, ऐसा नो। और इसी को ऐसे ही मजे लेके हम पढ़ेंगे, ठीक है? यस, ओके, रिवाइज करते हैं। हम पढ़ क्या रहे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल है डेबिट क्रेडिट बताने के लिए। चलो सब नालायक बताएंगे मुझे होता। पर्सनल अकाउंट करो क्या? बोलो व्हाट इज रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? बोलो व्हाट इज रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है उसका क्रेडिट। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। याद हो गया? अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम फटाफट 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 जवाब देंगे, ठीक है? व्हाट गोज आउट क्या होता है डेबिट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्या होता है क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, एक्सपेंस बोलो बोलो डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट, गिवर क्रेडिट पक्का, कम्स इन डेबिट, लॉसेस डेबिट, याद हो गया अपने को पक्का, कोई तकलीफ कोई क्वेरी एकदम आराम से एकदम चिल मार के ओके, एकदम चिल मार के क्या सभी से कंफर्ट डाला है, एकदम आराम से चिल मार के क्या सभी से कंफर्टेबल है, यस यस यस। चलिए तो एक काम करेंगे जो बेटा नॉन कॉमर्स वाले इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे, जो बच्चे नॉन कॉमर्स बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालेंगे ये और अगले सारे का बेटा जी, जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले स्क्रीनशॉट निकाले, कॉमर्स वालों को सब पता ही होगा, क्या बात है फुल खटाखट खटा आंसर दे रहे सब लोग, बस सब सही देना है गलत मत देना लायक। इसका निकाला फोटो यस, इसका भी फोटो निकालिए, इसका भी फोटो निकालिए, चलिए लिया इसका फोटो, डन, एकदम चिल मार के इसका फोटो हो गया। अब नालायक में आगे बढ़ना चाहता हूं, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, ठीक है। अब सुनना बेटा, अब देखते कौन सही जवाब देता है, कौन बेटा सही जवाब देता है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, परचेस मशीन ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, मैंने क्या बोला, परचेस मशीन ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, हमने श्याम से मशीन परचेस किया कैसे क्रेडिट में। देखो जिनको पता नहीं बताना चाहूंगा बच्चों, अकाउंट में व्यवहार दो टाइप का होता है, कैश में होता है या उधारी में होता है। अगर आपने चीज को खरीदते वक्त पैसा दिया उसे बोलते कैश ट्रांजैक्शन, और आपने उधारी में माल लिया उसे बोलते क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन आर ऑफ टू टाइप, कैश एंड क्रेडिट। जब पैसा तुरंत देते या तुरंत लेते वो था कैश ट्रांजैक्शन, और जब पैसा बाद में दिया जाता है या बाद में लिया जाता है अभी नहीं, वो होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। रुको 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 रे, मुझे एंट्री नहीं चाहिए रे बाबा, मुझे एंट्री नहीं चाहिए, मैं अलग क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। मुझे पता आप सबको एंट्री आती है, आप एकदम कॉमर्स वाले हो, एकदम बेस्ट हो, मुझे पता आपको ट्वेल्थ में आपने 90+ 95+ सब स्कोर किया ट्वेल्थ में आपने, मुझे पता बेटा जी, लेकिन मैं एंट्री नहीं पूछ रहा, मैं आपसे, मेरा सवाल कुछ अलग है, मेरा सवाल कुछ अलग है। देखो मैंने ट्रांजेक्शन क्या लिखा, परचेस मशीन ऑफ रुपीज 2000 फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने मशीन परचेस किया 2000 का, कैसे क्रेडिट पे। मुझे पहले बताओ इस सब में दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, दो अकाउंट कौन से ले? जो बेटा जो आप एंट्री बेटा बता रहे हो, आपके बच्चे एंट्री देख के तो मुझे लग रहा है आप बोल रहे कि सर दो अकाउंट है, मशीन और श्याम, मशीन और श्याम, ठीक है। आप समझना, आपने जो आंसर दिखा, आपने जो आंसर लिखा ना, आप सुनो बेटा, आपने जो आंसर लिखा ना, सबने एंट्री पास किए, आपकी एंट्री में क्या है, आपने मशीन को डेबिट किया है और शाम को आपने क्या किया, क्रेडिट किया है। अब आपके आंसर पे सवाल उठेंगे, बराबर जवाब लिया जाएगा, सबका जवाब मांगा जाएगा। आपने मशीन को डेबिट किया, शाम को क्या किया, क्रेडिट किया, अब वक्त आ चुका है जवाब देने का। अभी दो अकाउंट बोले, मशीन और शाम, नालायक मुझे बताइए मशीन कैसा अकाउंट है, रियल या पर्सनल। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, सब मशीन तो रियल है। शाम कौन है, अरे सर शाम इंसान है सर, इंसान पर्सनल अकाउंट है। तो मशीन कौन है, रियल अकाउंट है, शाम कौन है, पर्सनल। रूल लगाते मशीन के लिए, मशीन रियल अकाउंट है, हम रट्टा मारेंगे, हम रट्टा मार के रखा है रूल को, हम याद करेंगे सर ने बोला था मशीन रियल अकाउंट। रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आया वो क्या करो डेबिट, और जो गया वो क्या करो क्रेडिट. अरे साहब मशीन आ रहा है जा रहा है, अरे सर आपने मशीन परचेज किया, मशीन परचेज किया, मशीन आ रहा है सर, पक्का मशीन आ रहा है. तो जो आ रहा है वो क्या करेंगे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट क्या है डेबिट है. अब शाम, शाम बोलता है मेरा क्या होगा. हम बोलते शाम बाबू रुक जाइए, आपके लिए रूल बताते हैं. शाम को बोलते शाम बाबू आप पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. पर्सनल क्या होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. हम बोलेंगे शाम बाबू अगर आप रिसीवर हो आपका अकाउंट होगा डेबिट, और अगर आप क्रेडिटर हो आपका अकाउंट, सॉरी अगर आप गिवर हो तो आपका अकाउंट होगा क्रेडिट. सिंपल है. इफ यू आर रिसीवर आपका अकाउंट होगा डेबिट, एंड इफ यू आर गिवर आपका क्या होगा क्रेडिट. अब मेरा सवाल यह है, शाम को पैसा मिलने वाला है या शाम को पैसा देना है? शाम को पैसा मिलने वाला है या शाम को पैसा देना है? इच शाम रिसीवर और इस शाम गिवर. शाम कौन है, रिसीवर है या गिवर है? जो नालायक बोल रहे गिवर, मशीन देने की बात नहीं चल रही है, पैसे की बात चल रही है. अकाउंट बात पैसे की होती है, तो पैसे के पॉइंट से थिंक फ्रॉम मनीज पॉइंट ऑफ व्यू. बोलो शाम को पैसा मिलने वाला है या शाम पैसा देने वाला है? शाम को पैसा मिलने वाला है. मैं बात कर रहा हूं पैसे की. तो अगर शाम को पैसा मिलने वाला है तो शाम को ने रिसीवर है, शाम को ने रिसीवर है. कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो गलत है सर, सर देखो अगर सर शाम को बोला, अगर आपने बोला शाम को पैसा मिलने वाला है सर, सर देखो अब शाम कंफ्यूज है, शाम खुद कंफ्यूज हो गया. बोला सर मुझे कुछ लोगों ने बोला सर मुझे पैसा मिलने वाला है, सब मतलब सर रिसीवर हो गया. अब शाम मुझसे बात कर रहा है सर देखो मुझे पैसा मिलने वाला है. बोला हाँ शाम, सब मतलब मैं रिसीवर हूं. हाँ सर. बोला क्या दिक्कत है फिर सर, एक काम करो ना आप मेरा अकाउंट क्या करो डेबिट करो मेरा अकाउंट. और शाम वही बोलता है सर मैं सोच रहा था ये पैसा बाहर में जान दो सर, सर मैंने मशीन दिया है, सर मैंने मशीन दिया है तो सर मैं गिवर हूं, सर मैंने मशीन दिया है तो सर मैं क्या हूं गिवर हूं, सर मैं कौन हूं गिवर हूं. हाँ शाम सही है. तो सर अगर मैं गिवर हूं सर तो सर मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा ना? बोलता हाँ सही है. अरे बोलता सर क्या परेशानी सर, एक बार बोलते मेरा अकाउंट डेबिट करो, एक बार बोलो क्रेडिट करो. बोलो मैं करूं तो क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं रिसीवर हूं या गिवर हूं? शाम खुद के बाल नोच रहा है. मैं कौन हूं वो पूछ रहा है, मैं कौन हूं, मैं रिसीवर हूं या गिवर हूं? ऐसे बहुत सारे शाम, बहुत सारे राम, बहुत सारे सीता, बहुत सारे गीता कंफ्यूज थे. वो सोच रहे थे हम है कौन, रिसीवर है या गिवर है, हम है कौन, वो परेशान थे. इसलिए हमने बोला भाई यार ये ऐसा अकाउंटिंग करेंगे ना बहुत वाट लग जाए, बहुत वाट लग जाएगी. तो हमने अकाउंटिंग करने का एक नया तरीका लाया जिसका नाम था मॉडर्न अप्रोच. बात समझ में आ रही क्या? अब तक मैंने क्या सीखा बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच सीखा है. ट्रेडिशनल में अकाउंट के 3 टाइप बताए, उसके रूल बताए, गलत नहीं है, उससे अकाउंटिंग होता है, पर उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है. तो ये सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने बोला ये जो ट्रेडिशनल था ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सारे भाड़ में जाने दो, ये सारे रूल भाड़ में जाने दो, हम नए रूल बनाते, नए जमाने के नए रूल. उसके लिए सामने आया मॉडर्न अप्रोच. कौन सामने आया बच्चा लोग? मॉडर्न अप्रोच. तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? अब तक हमने क्या पढ़ा था ट्रेडिशनल, अब हम क्या पढ़ रहे मॉडर्न. अरे समझ में आ रहा है क्या नालायक? मॉडर्न अप्रोच क्यों आया? ट्रेडिशनल के कुछ लिमिटेशन थे, कुछ कंफ्यूजन थे, उसको रिमूव करने के लिए हमने लाया मॉडर्न अप्रोच. तो मॉडर्न को पूछा आपके पास कौन से अकाउंट है, रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है? मॉडर्न बोलता है हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल इन चीजों पे विश्वास नहीं करते, हम नए जमाने के लोग हैं, हम नई सोच लेके चलते हैं. हमने बोला भाई बातें बाद में करो, पहले बातें सोच के आपकी. बोलते भाई देख हमारे पास 5 अकाउंट है। कौन से 5? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंस, ये 5 अकाउंट है। ये ड्राइंग वाला छोड़ो, ड्राइंग बाद में देखेंगे बेटा, पहले 5 महीने बेटा जी, 5 महीने। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट के 3 टाइप थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वो था ट्रेडिशनल अप्रोच, बट मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट के 5 टाइप है। बोलो कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। फिर से बोलो, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट के टाइप कितने होंगे? 5। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, 5 टाइप पे। चलो ओके, अब इसका रूल क्या होता है? भावेश बेटा सर कौन सा फॉलो करना चाहिए? भावेश बेटा ऐसे कुछ नहीं बेटा, दोनों बेटा फॉलो कर सकते हो, समझा बेटा जी। देखो बेटा, अभी जब अकाउंटिंग बेटा होता है ना, हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा, मैंने समझा बेटा। अगर कभी भी ट्रेडिशनल में कंफ्यूजन हुआ, टेक हेल्प मॉडर्न अप्रोच, समझा बेटा जी। बेटा ये नहीं पता कि दोनों अप्रोच गलत नहीं है, आप दोनों भी बेटा फॉलो करने, पर मॉडर्न अप्रोच से आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है बेटा, आपको समझा क्या बेटा? तो ज्यादा क्लैरिटी मॉडर्न से आती है, समझा बेटा जी। आपको ट्रेडिशनल बिल्कुल गलत नहीं बेटा जी, उसमें बस थोड़ा कंफ्यूजन था, वो तो और क्लैरिटी करने के लिए हम यूज करेंगे मॉडर्न अप्रोच। मैं आपको आगे बेटा बताऊंगा, प्रॉपर बताऊंगा, मैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, उससे आपको बताऊंगा कि ट्रेडिशनल में अगर कंफ्यूजन होता है तो मॉडर्न कैसे हेल्प कर रहा है, प्रॉपर बताऊंगा बच्चों मैं आपको। सॉरी ओके, अब प्लीज समझना, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं मॉडर्न अप्रोच रूल में, ठीक है? एक काम करते हैं, जो बच्चे बेटा मुझे बताइए आप में से कितने बच्चे नॉन कॉमर्स वाले, मतलब जिन लोगों ने ये एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इन सबका डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ज्यादा सुना नहीं है, या कॉमर्स वाले ऐसे बच्चे जिनके इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए। बोलो बच्चों कितनों के कंफ्यूजन होता है, मतलब कॉमर्स वाले होके भी कंफ्यूजन होता है, मतलब विच अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, विच हैज अ क्रेडिट बैलेंस, ऐसे बहुत सब बातें होती है बेटा जी। बोलो बच्चा लोग, तो मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग समझाता हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्टली बताता हूं मैं आपको। ओके, हर्षित को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ओके, यू माइट बी फ्रॉम बेटा साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स के होके भी थोड़ा बेटा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चा लोग। ओके, हर्षिका को होता है, यस, और कौन है बेटा जी? अनिवेश, ओके, शायद मैं सही से बेटा, अनिवेश, ओके बेटा, प्रेरणा, ईशा जी, कृष्णा, पुरुषोत्तम, साईराज, साक्षी, तनिष्क, अद्वैय, संकेत, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, और मैं राज आउटे। ओके, मुझे भी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, मुझे भी कंफ्यूजन होता है बेटा, ठीक है ना? यस यस बेटा, मुझे भी कंफ्यूजन होता है, यस। तो बेटा जी मुझे भी बहुत सारा बेटा कंफ्यूजन होता है, यस। तो मैं थोड़ा सा ना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में कोशिश करता हूं बच्चों। ओके, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, हर्षिका बोल रही सर नॉन कॉमर्स, हर्षिका नॉन कॉमर्स, सेम हियर बेटा, आई एम ऑल्सो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। Many of you might not be knowing, बेटा मैं थोड़ा बताना चाहूँगा बेटा जी, आई एम नॉट अ कॉमर्स ग्रेजुएट बेटा जी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। ओके, 11-12 बेटा मेरा साइंस था, एंड आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग। ओके बेटा, आई कैन प्राउडली से दैट, ओके बेटा, बिकॉज की डजेंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज वेदर यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, एज लॉन्ग एज योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, डजेंट मेक अ डिफरेंस। ओके बेटा जी, ओके, इफ आई एम बींग साइंस स्टूडेंट, इफ आई कैन टीच, ओके, अगर आपको मैं टीचिंग बेटा अच्छा लगता है, अगर बेटा आपको लगता है कि मैं बेसिक से बेटा पढ़ाता हूँ, राइट ना बेटा जी, तो डेफिनेटली बेटा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू कैन डेफिनेटली लर्न इन द इफेक्टिव वे। यस यस यस, चलिए अरे कुछ नहीं हो रहा, चिल मारो बेटा, एकदम अच्छे से करा के दूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, एकदम बेसिक से करा के दूंगा, डरने का नहीं, कुछ नहीं होता बेटा। बस ये साइंस बेटा कॉमर्स सब दिमाग से निकाल दीजिए बेटा। हमारा एक ही बेटा एम है, यू हैव टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी, और व्हेन यू बिकम द सीएस, ना बेटा, लोग ये नहीं पूछा किस बैकग्राउंड से आए थे बेटा, यस, जब बेटा आप लोग जो बेटा माउंट एवरेस्ट चढ़ते हो तब माउंट एवरेस्ट ये नहीं पूछता आप कहाँ से आए थे, आप इंडिया से आए थे या चाइना से आए थे या अमेरिका से आए थे. व्हाट मैटर्स इज यू हैव टू अचीव दैट पॉइंट. समझा बेटा जी. तो सेम थिंग आपको सीएस का आपको माउंट एवरेस्ट अचीव करना है. आप कहाँ से आए थे, साइंस से आए थे, कॉमर्स से आए थे, आर्ट्स से आए थे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है. आपको एवरेस्ट आपको अचीव करना है, आपको ऊपर वहां पे जाना बेटा जी आपको, और वहां पे मैं आपको लेके जाऊंगा. ओके मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा बेटा जी. ओके यस चलिए तो अभी प्लीज समझना बताना चाह रहा हूं, प्लीज समझना. ओके अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा हर अकाउंट का बेसिक नेचर क्या होता है, इनहेरेंट नेचर क्या होता है, उसका इनहेरेंट नेचर क्या है. जैसे बच्चों अगर मैं आपको पूछूंगा आपका इनहेरेंट नेचर क्या है, क्यों बच्चा बोलेगा सर ना मैं बहुत सारा शर्मिला हूं, बहुत शर्म आती है सर मेरे को. कोई बच्चा बोलता सर अपन तो बहुत बड़े बोल बच्चे रहे सर, बस कोई आदमी भी आने दो सब अपन बक्का कर सकते हैं, कोई भी मस्त एक दो घंटे बात कर सकते हैं. कोई लोग बहुत शांत होते, कोई लोग बहुत मस्तीखोर होते, कोई लोग बहुत नालायक होते. ये इनहेरेंट नेचर है. कोई बहुत भुक्कड़ होता है, अरे कितना भी खाने भूख लगती है, नेचर क्या कह सकते हैं बेटा जी. वैसे बच्चों ये 5 अकाउंट के भी कुछ नेचर है, ये जो 5 अकाउंट है इनके भी कुछ नेचर है. ओके इनके भी कुछ नेचर है. ऐसा कहा जाता है एसेट का होता है डेबिट नेचर, एसेट हैज अ डेबिट नेचर. एसेट का उल्टा होता है लायबिलिटी. एसेट का बच्चों अगर डेबिट नेचर है तो लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट नेचर का होता है. यस बस अभी याद रखिए बेटा जी. ओके क्यों अभी मत पूछना, बस याद रखना. अभी कैपिटल का होता है क्रेडिट नेचर, रेवेन्यू मतलब इनकम का होता है क्रेडिट नेचर, और एक्सपेंस का होता है डेबिट नेचर. ये बेटा पहले हम याद करेंगे. बोलो एसेट, बोलो बच्चों एसेट है हाँ, क्या बोले तुम लोग हाँ, चलो ओके ओके चलो पढ़ लिया मैंने कमेंट आपके, वेरी गुड ओके. चलो बच्चा लोग तो मैं कहाँ पे था ओके. हम बात करें अकाउंट के नेचर की बात करते हैं बच्चा लोग. ओके चलो एक बार रिवाइज करते बोलो चो अभी आप बोलेंगे मेरे साथ में. एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट. लायबिलिटी का क्रेडिट. कैपिटल का क्रेडिट. इनकम का क्रेडिट. एक्सपेंस का डेबिट. ओके वापिस बोलेंगे. अब आंखें बंद करेंगे याद करेंगे, सोचने कोशिश करेंगे याद करने का. एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट. आंखें नहीं खोलना लायक. लायबिलिटी क्या होता है, बोलो लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट. एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट. इनकम क्या होता है, क्रेडिट. कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट. सिंपली बोलूं दो ही बातें डेबिट है, एसेट और एक्सपेंस डेबिट है, बाकी सब क्रेडिट है. डेबिट में कौन है, एसेट, और एक्सपेंस कौन है, डेबिट है, बाकी सब क्रेडिट है. लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट. अबे नालायक तुम चीटिंग कर रहे हो क्या, तो टाइपिंग कैसे किया, आंखें तुम्हारे बंद है नालायक, आंखें तुम्हारे बंद है, तुम टाइपिंग कैसे किया, ये चीटिंग है ना, जरा सा चीटिंग है बेटा, एकदम गलत है बेटा. चलो रिवाइज कर, फिर से रिवाइज करते हैं आंखें बंद करके फिर से बेटा जी, आंखें बंद कर फिर से रिवाइज. बोलो बच्चों एसेट क्या होता है, बोलो बच्चों एसेट क्या होता है, डेबिट. लायबिलिटी बोलो हाँ, क्रेडिट. कैपिटल क्रेडिट. इनकम क्रेडिट. एक्सपेंस डेबिट हो गया. अब थोड़ा सुपरफास्ट, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट. खत्म. याद हो गया, बोलो हाँ या ना, याद हो गया, बोलो बच्चों बोलो याद हो गया. यस 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 क्या सबको बाइट हो गया. यस तुम बहुत बड़े चीटर तुम लोग, ठीक है ना हाँ. ऊपर देख रहा बेटा, ऊपर सब देख रहा मतलब यार मैं इधर पता आंखें बंद करके बात कर रहा हूं ओके, और तुम मस्त पता है आंखें खोल के छट आंसर दे रहे, टाइप कर रहे हो. गलत है यार. डरो रे, ऊपर वाले से बेटा, ऊपर से डरो. ओके चलो बच्चा लो, ये रूल क्लियर बच्चा लो. यस ओके. अब इसका इस्तेमाल करके मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डेबिट क्रेडिट कैसे होता है. प्लीज फोकस करना बेटा, स्पेशली नॉन कॉमर्स और जिनको कंफ्यूजन होता है, ये सब बच्चे फोकस करें अच्छे से बेटा जी. ओके बेटा मुझे आता एसेट का इनहेरेंट बैलेंस क्या होता है, बोलो चो एसेट का इनहेरेंट नेचर क्या होता है. सर जी एसेट का नेचर डेबिट है. देखो यार एसेट का नेचर डेबिट है, तो एसेट क्या बोलता है, मैं खुद डेबिट हूं. अगर एसेट बढ़ते हैं, अगर एसेट और बढ़ते तो हम डेबिट करेंगे। देखो यार, एसेट का नेचर पहले से डेबिट है। एसेट बढ़ेंगे मतलब और डेबिट होगा, और एसेट कम होंगे मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा। एसेट बढ़ा तो क्या बोलेंगे, डेबिट, और एसेट कम हुआ तो क्या बोलेंगे, क्रेडिट। आपको एरो समझ में आ रहा है बेटा जी? एसेट बच्चों बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट, और बच्चों एसेट कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के। अब नालायक मुझे बताइए, अब नालायक मुझे बताओ, लायबिलिटी का नेचर क्या है? सर जी लायबिलिटी होता क्रेडिट। सोचो, लायबिलिटी क्रेडिट है, लायबिलिटी कौन है, क्रेडिट है। लायबिलिटी खुद क्रेडिट है, वो बढ़ा तो क्या होगा सर, और क्रेडिट होगा। सर लायबिलिटी खुद क्रेडिट है, वो बढ़ा तो सर और क्या होगा, क्रेडिट। तो लायबिलिटी बढ़ना मतलब क्रेडिट होना, और लायबिलिटी कम होना मतलब क्या, डेबिट है। तो बात समझना, जो आपका नेचर है बढ़ेगा तो नेचर और बढ़ेगा, और कम हुआ तो नेचर का उल्टा होगा। यस और नो? अरे अगर बेटा जी आप बहुत शैतान हो तो आप बड़े होगे, तो बड़े होके और शैतान बनोगे, हाँ कि नहीं बेटा। तो एसेट पहले से कौन है, डेबिट है, एसेट और बढ़ेंगे तो और डेबिट। मेरे पास मशीन आया, बिल्डिंग आया, कैश आया, कैल्सिया, एसेट आते जा रहे, आते जा रहे, बढ़ते जा रहे, तो और क्या, डेबिट हो रहा है। पर वही बेटा एसेट जा रहा है, कम हो रहा है, एसेट कम हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी पहले से क्या था, क्रेडिट। अरे भाई साहब लायबिलिटी पहले से क्या था, क्रेडिट। लायबिलिटी पहले से क्रेडिट था, वो बढ़ेगा तो और क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? जो लोग इस बात को समझ पा रहे हो बेटा मुझे बताइए, कैपिटल, कैपिटल पहले से क्या है, क्रेडिट है। बच्चों कैपिटल पहले से क्या, क्रेडिट है बच्चों। कैपिटल बच्चों पहले से बच्चों कौन है, क्रेडिट है। नालायक कैपिटल बढ़ेगा, नालायक कैपिटल अगर बढ़ेगा, नालायक कैपिटल अगर बढ़ेगा तो और क्या होगा, क्रेडिट होगा, और नालायक कैपिटल अगर कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। यस और नो? भाई साहब समझ में आ रहा है क्या? बच्चों एक्सपेंस का नेचर क्या है, बच्चों एक्सपेंस का नेचर क्या है? सर जी एक्सपेंस होते डेबिट। सर जी एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस डेबिट है, वो बढ़े तो और क्या होगा, डेबिट, वो कम हुआ तो और क्या होगा, क्रेडिट। कंफ्यूजन नहीं करनी, हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। रट्टा मत मारना, रट्टा मत, एकदम आराम से समझ के लो बेटा। इनकम, इनकम पहले से क्या है, क्रेडिट है, वो बढ़ा तो और क्या, क्रेडिट होगा, और कम हुआ तो क्या, डेबिट। जैसा आपका नेचर है बढ़ा तो सेम होगा, एसेट डेबिट है तो बढ़ा तो डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट है तो बढ़ा तो क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट है बढ़ा तो डेबिट। जो आपका नेचर है बढ़ा तो सेम, और कम हुआ तो उसका उल्टा, एसेट डेबिट है कम हुआ तो क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट है कम हुआ तो डेबिट, एक्सपेंस डेबिट है कम हुआ तो क्रेडिट। याद रहेगा बेटा जी। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। ओके अब बोर्ड में लिखने के लिए आप बोलेंगे, आप बोलेंगे मुझे, बोलो एसेट का नेचर क्या है, डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट, बढ़ेगा तो और क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। एक्सपेंस क्या है, डेबिट, बढ़ेगा तो और डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। इनकम क्या है, क्रेडिट है, इनकम क्या है, क्रेडिट है, इनकम क्या है, क्रेडिट है, बढ़ेगा तो, इनकम क्या चलो क्रेडिट है, बढ़ेगा तो और क्रेडिट, और कम हुआ तो डेबिट। छिपा नालायक, यस और नालायक, क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? एकदम आराम से, एकदम चिल मार के बच्चा लोग, एकदम आराम चिल मार के। यस चलो बच्चा, अगर ये बेटा समझा कि लाइट ठोको बच्चा, अगर समझा लाइट ठोको बेटा मुझे पता चलेगा कितनों को समझ में आ रहा है बेटा, कितनों को दिमाग में गया कि समझा लाइट ठोको बेटा, समझा लाइट ठोको तो नालायक। यस और इसको मैं कल बच्चों, कल इसके मैं ऑलमोस्ट 8 से 10 एग्जाम्पल लूंगा बच्चों। कल मैं 8 से 10 एग्जाम्पल से ये पूरा आपके दिमाग में अच्छे से उतार दूंगा, अच्छे से दिमाग में उतार दूंगा बेटा जी। पक्का झेपा? यस एकदम कंफर्टेबल, एकदम चिल मार के, एकदम चिल मार के समझा बेटा जी, एकदम आराम समझा। यस 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 नो क्वेरी, बस ये आज जो मैंने पढ़ाया था प्लीज रिवाइज करके आना बच्चों, आज जो पढ़ा प्लीज रिवाइज करना आना बच्चों लोग अपने को, ठीक है। चलो एक काम को नालायक फटाफट जिसको मांगता है स्क्रीनशॉट निकल बेटा इसका, ओके स्क्रीनशॉट निकल बच्चों, स्क्रीनशॉट निकल इसका। चलो बच्चा स्क्रीनशॉट निकल इसका, चले 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 स्क्रीनशॉट निकालना, स्क्रीनशॉट निकाल, एकदम बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, अच्छे समझा बेटा जी, वेरी गुड वेरी गुड। संडे को लेक्चर, अभी संडे लेक्चर नहीं गया बेटा, संडे लेक्चर नहीं, संडे को बेटा जी बाद में लेक्चर रहेगा बेटा, लंच करना है, लंच करना है। हर्षो मेरे भाई मर्सो मैसेज आना, मैसेज आना, मर्सो मैं भी डालता हूँ बेटा सर को, बोलता थोड़ा सा 5 मिनट लेट शुरू करने के लिए। इस संडे लेक्चर नहीं होगा बेटा, अगले संडे से लेक्चर होगा, इस संडे लेक्चर नहीं होगा बेटा। इसका फोटो, इसका भी फोटो निकालो चलेगा, पर मैं भी सर को बोलता हूँ थोड़ा लेट शुरू करने, बाद में लेट शुरू करने सर को बोलता हूँ, डोंट वरी बेटा जी, सर को बोलता हूँ लेट शुरू करने के लिए, ठीक है डोंट वरी। आप खाना खाना शुरू करो, तब तक के लिए चिल मारो। यस यस बेटा मैं काम कर रहा हूँ, सुनो बच्चे काम, अभी बेटा 115 हुआ है बेटा, सर को बोलता हूँ कि स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर एट 140, चलो बेटा 140 शुरू करने बोलता हूँ, चलो पक्का बोलता हूँ सर को। चलो नालायक टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। एडमिशन करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप बेटा जी कल बन जाएगा, जिनका एडमिशन हो चुका है व्हाट्सएप कल बन जाएगा बेटा जी, ओके यस यस यस। ठीक है चले टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, हाँ ठीक है बोलता बोलता बोलता, डोंट वरी बेटा जी डोंट बोलता, चल टेक केयर नालायक।